दिल्ली की यूपी भवन में महिला का यौन उत्पीड़न, दो बड़े मंत्रियों से मिलवाने के बहाने बुलाया कमरे में, कमरा नंबर 112 सील। सीएम सिद्धारमैया ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए। दिल्ली में साक्षी परिवार से मिली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, साक्षी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार। हरिद्वार में मेडल बहाएंगे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान। मॉस्को में दो बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक, रूस ने यूक्रेन पर लगाया आतंकी हमले का आरोप। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। साक्षी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का बयान, मजबूत चार्जशीट बनेगी ताकि कोई अपराधी बच न सके।